अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। और कल के दिन जो मार्केट में मूव्स आए, जो हमें लॉस करवा सकते थे उन मूव से भी आपको मैंने बचाया, और जो हमें प्रॉफिट करा सकते थे वो मूव्स भी आपको मैंने बताए। अच्छा, किस किस भाई ने कितना प्रॉफिट करा है, कितना लॉस करा है, जो भी करा है वो मुझे बताएं। और इसके अलावा आप लोग के लिए एक प्लेटफॉर्म की जो मैं बात कर रहा था, फाइनेंशियल ब्रदर्स पाकिस्तान के नाम से आपको फेसबुक पे ग्रुप मिल जाएगा, आप इस पे ऐड हो जाएं। इसमें जितने भी भाई हैं उन लोगों के लिए, उनको कोई भी मसला आ रहा हो, उनके साथ कोई स्कैम कर रहा हो, उनके साथ कोई कुछ भी मसला कर रहा हो, कोई अकाउंट मैनेजमेंट करके उनके पैसे डुबा दे, या एक्स वाई जेड जो भी उनके साथ इशू आ रहे होंगे, उन इशूज़ को इंशाल्लाह रिजॉल्व किया जाएगा। और अभी बहुत सारे लोग आएंगे जो क्रिटिसाइज करेंगे और गलत बुरा भला बोलेंगे, एक्स वाई जेड, आप हमारी जो टीम हमारी बनने जा रही है ये एक इनकलाब से कम नहीं है, कि फॉरेक्स की फील्ड में हम लोग इस तरीके से लेके आ रहे हैं एक प्लेटफॉर्म जिसमें सबकी मदद करी जाएगी, हर बंदे को ज़्यादा से ज़्यादा फ्री में एजुकेट किया जाएगा। तो अब इस पे बहुत से जिन लोगों की पेट पे लात पड़ रही है, जिन लोग की दुकानें बंद हो रही हैं, तो वो लोग जो हैं क्रिटिसाइज़ करेंगे और गलत गलत बातें करेंगे। लेकिन भाइयों, किसी से भी कोई डरने घबराने वाली, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। हम अपना खाते हैं, अपना कमाते हैं, और सब मिल के खाएंगे, मिल के कमाएंगे, और एक साथ यकजा होके चलेंगे। जो लोग जो बोल रहे हैं बोलने दें, वो बात है ना कि कुत्ते भौंक रहे हैं उन्हें भौंकने दें, लेकिन हमें अपना काम करना है और रुकना नहीं है। काफ़ी दफ़ा हमने अपने काम स्टार्ट करे, बहुत से ऐसे लोग आए जो हमारे साथ हमारी टीम का हिस्सा बने और उन्होंने हमें धोखा दिया। अब वो लोग आए तो बहुत अच्छे गेस्टर से और सारी चीज़ें, लेकिन उन्होंने इन द एंड हमें धोखा दिया। बहुत से ऐसे मामला, बहुत से ऐसे मसाइल हुए जो मैं आपको तो नहीं बता सकता, लेकिन चलें पुरानी बातों को दफ़ा करते हैं, पुरानी बातों में मिट्टी डालते हैं। और सब लोग को जुमा मुबारक हो, और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस की तरफ आते हैं। हियर यू आर। तो आज के दिन मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस में क्या लग रहा है, और बात करेंगे हम गोल्ड की, बिटकॉइन की, डाउ जोन्स की, ऑयल की। ये हमारे मेन पेयर्स हैं जिनमें हम मेन ट्रेडिंग करते हैं, बाकी जो दूसरे पेयर्स हैं उन पे भी हम बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम आज ऑयल से। अच्छा जी, ऑयल का मैंने आपको जो एरिया बताया था डेली का, उस एरिया को ऑयल ने टेस्ट करा, और टेस्ट करके वहां से सेलिंग आई, और यहां से आपको 670 पे की 93 तक से आपको सेलिंग मिली। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त ऑयल की सेलिंग मिली है आप लोग को। मैंने आप लोग को बताया था ये जो बाइंग में उठ रहा है ऑयल, ये किस लिए उठ रहा है? ये एक तो D1 की पुल बैक है, D1 का एक तो एक पुल बैक बन रहा है, वीकली का भी एक पुल बैक बन रहा था ये, जिस भी आप पे ये उठा था, और ये अभी जो है फर्दर सेलिंग में चले जाएगा, और देखिए आपके सामने सेलिंग में आ गया, और जिस हिसाब से इसने कंटिन्यूएशन अपनी बनाई है तो ये फर्दर और सेलिंग में आएगा, लेकिन टाइम लेगा। टाइम क्यों ले रहा है? प्राइस टाइम क्यों ले रहा है? क्योंकि छोटी इक्विटी वाले लोग भी बहुत से एंटर हुए में, जिनके स्टॉप लॉस बहुत छोटे होते हैं, तो प्राइस जो है अक्सर ऐसे लोगों के स्टॉप लॉस हिट करता है और उसके बाद फिर बड़ा मूव देता है, तो उनके स्टॉप लॉस जो है वो हंट करने में प्राइस थोड़ा टाइम ले रहा है, और अगर वो एंटर नहीं होंगे प्राइस में, मार्केट में, तो आपको बड़े बड़े क्रैशेस भी दिख जाएंगे। अच्छा, फिर हम बात करते हैं यूएसडी कैट की। यूएसडी कैट ने क्या सिनेरियो बनाया है? यूएसडी कैट ने आपके सामने ये वाला मैंने एरिया आपको दिया था, इसको ब्रेक करके बाइंग में गया, फिर यहां से सेलिंग में आ गया। हमने यूएसडी कैट में कल के दिन बाइंग नहीं, हमने सेलिंग ली थी, हमने सेलिंग ली थी, उसके बाद सेलिंग हमने क्लोज कर दी थी। तो ये हमारी कल के दिन की ट्रेड थी, यहाँ से हमने सेलिंग ली थी और फिर हमने सेलिंग क्लोज कर दी थी, क्योंकि हमें मार्केट का जो मूवमेंट है वो थोड़ा ट्रिकी लग रहा था, इसलिए हमने बोला कि छोड़ देते हैं इस ट्रेड को अभी। फिर हम आ जाते हैं बिटकॉइन में। अच्छा, बिटकॉइन में क्या सिनेरियो बन रहा है? बिटकॉइन में कल के दिन बिटकॉइन को गिरना चाहिए था, जो कि बिटकॉइन कल के दिन नहीं गिरा, तो अभी बिटकॉइन थोड़ा और अब बाइंग साइड जाएगा, क्योंकि ये दो कैंडल्स जो हैं, ये दो कैंडल नलीफाई हो गई हैं, इन दो कैंडल्स की अभी प्राइस में कोई मार्केट में वैल्यू नहीं रही है। ये जो अभी करंट कैंडल चल रही है 22809 से, यहाँ से ही प्राइस बुलिश होगी, और बुलिश होकर 26572 तक जाएगी, और वहाँ से फिर सेलिंग का सिनेरियो बन सकता है। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं नेस्डेक में। नेस्डेक का क्या सिनेरियो बन रहा है? नेस्डेक का फर्दर, नेस्डेक कल के दिन में बाइंग ही गया है, थोड़ा सा लोगों को सेलिंग दे के,
और ये फर्दर बाइंग में ही जाएगा। फिर हम आ जाते हैं यूएस स्टडी में। यूएस स्टडी ने क्या किया कल के दिन, ये दिखाता हूँ मैं आपको। कल के दिन यूएस स्टडी ने थोड़ा पहले न्यूज़ पे बाइंग का मूव दिया, उसके बाद जैसे ही ज़्यादा लोग, हर बंदा बाइंग देख के उस पर बैठने लग गया, तो यूएस स्टडी ने यहाँ पे लोगों का स्टॉप हिट करा, अकाउंट वॉश करे, और उसके बाद दोबारा बाइंग में चले गया, क्योंकि एक्चुअल न्यूज़ पे और प्राइस का बुलिश मूव था, और प्राइस ने जो है बुलिश पैटर्न था, और प्राइस ने जो है लो का एसेलेट करके फिर चले गया। तो ये यूएस स्टडी में लाजमी, मैं आपको बताऊं, आपकी जैसे ही ट्रेड 50-100 पे पॉजिटिव हो, एग्जिट ले लें यूएस स्टडी में। यूएस स्टडी में होल्डिंग नहीं करें, यूएस स्टडी में होल्डिंग करेंगे बहुत बुरा पछताएंगे। अरे भाई हम तो गोल्ड को भूल ही गए, मोस्ट फेवरेट हमारा पेयर गोल्ड। गोल्ड ने क्या किया कल के दिन, गोल्ड ने बहुत ऐसी की तैसी करी आवाम की, और कैसे करी वो भी बताता हूँ मैं आपको। अच्छा जी, यहां से गोल्ड बुलिश हुआ 84 to 85 से, यहां से गोल्ड बुलिश हुआ, और बुलिश होते ही गोल्ड ने मोमेंटम दिखाया बाइंग का। लेकिन ये जो 93 का एरिया था, यहां पे एक सेलिंग भी दी, रिट्रेसमेंट भी कह सकते हैं आप इसे बाइंग की। तो यहां से फिर प्राइस दोबारा बुलिश होना स्टार्ट हुआ। न्यूज आ गई थी इस एरिया में, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स और दूसरी फेड फिली मैन्युफैक्चरिंग की आ गई थी न्यूज़। तो यहाँ पे प्राइस ने जो है बाइंग का अपना मूव लिया। फिर प्राइस गई 1710 तक, और जिस तरीके से बाकी चार्ट्स ने चेंज करा अपना मोमेंटम, गोल्ड ने भी अपना मोमेंटम बाइंग में जो जा रहा था उसे चेंज किया। सेलिंग में आया गोल्ड, और सेलिंग में कितना आया यहाँ पे ही देखें, यहाँ से सेलिंग में आया गोल्ड तकरीबन 170 पे सेलिंग में आया गोल्ड, यहाँ से 1693 का एरिया, वही एरिया जो मैंने आपको, काफ़ी सारे लोगों को मैंने ये एरिया दिया था 90 to 93 का एरिया, यही एरिया टेस्ट करने आया प्राइस, क्योंकि यहाँ पे प्राइस ने एक रिजेक्शन दी थी, यहाँ पे टेस्ट करने आया प्राइस, और यहीं से प्राइस ने फिर दोबारा अपना बुल रन स्टार्ट करा। अच्छा, ये बुल रन बाइंग में क्यों गया प्राइस, अब काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को देख के बोलते हैं यार बाइंग ट्रेंड स्टार्ट हो गया, अब तो प्राइस बाइंग ही बाइंग बाइंग ही बाइंग, 3 महीने के लिए बाइंग, 2 महीने के लिए बाइंग, 4 महीने के लिए बाइंग। अरे भाइयों, D1 में प्राइस जो है वो ले रहा था अपने पुल बैक्स, वीक वन की तो पुल बैक्स लेने दो, प्राइस के सेलिंग ट्रेंड ने पुल बैक लिए ही नहीं थे प्रॉपर। प्राइस कैसे करता है, प्राइस एकदम से यूं नहीं फॉल होता, प्राइस फॉल होगा, एक पुल बैक लेगा, फिर फॉल होगा, इस तरीके से प्राइस चलता है। तो प्राइस अभी ये जो बाइंग में आया है, ये अपना पुल बैक लेने आया है, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से, सबर करें, आपको सब दिखाएंगे। वीकली में प्राइस ने अपना एक पुल बैक लिया था, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस सेल हो रहा था, प्राइस ने अपना एक पुल बैक लिया, और उसके बाद फिर प्राइस सेलिंग में आ गया। अच्छा, अब काफ़ी बड़ा लो था ये, और ये लो भी अपना प्रीवियस जो एक लो था उस लो के करीब था ये, कि हम डबल बॉटम भी कह सकते हैं, एक आपके सामने एक ये बॉटम है और एक ये बॉटम है, आप डबल बॉटम भी कह सकते हैं। तो ये डबल बॉटम ले रही है प्राइस अपने पुल बैक, पुल बैक को इसने टेस्ट करने के लिए डबल बॉटम को यूज़ करा है यहाँ पे। अब बहुत से लोग इस डबल बॉटम को समझेंगे बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव बाइंग है, ऐसा नहीं है, प्राइस बियरिश है, और मामलात कोई ऐसे हैं नहीं बड़े कि प्राइस एकदम से एक्सटेंसिव बाइंग दे दे, इतने कोई बुरे हालात नहीं हुए हैं अभी। तो प्राइस जो है, प्राइस आ जाएगा सेलिंग में। अच्छा, प्राइस के सेलिंग एरियाज कौन से बनते हैं, 1785 जो वीकली का बनता है, वीकली का जो एरिया बनता है वो बनता है 1785 का। अच्छा, उससे पहले वीकली का एक और बनता है 1751 का एरिया। तो आप लोग के सामने ये दो एरियाज भी बनने हैं, उससे पहले एक और एक एरिया बनता था जो कि प्राइस ने ब्रेक कर दिया है, जो कि बनता था 1722 का। तो ये प्राइस ने ये वाला एरिया ब्रेक कर दिया है, तो इस एरिया को अब हम नहीं देखेंगे। तो पुल बैक्स लेने के लिए प्राइस ऊपर आ रहा है, और मैं आपको बताऊंगा प्राइस किस तरीके से, किधर से सेल होगा, किधर से बाय होगा, ये सारी चीज़ें आप लोग को बता देंगे, फिक्र नहीं करें, टेंशन नहीं लें, सब चीज़ें बताएंगे। अच्छा, फिर हम आए थे यूएसडी जेपीवाई में। अच्छा, यूएसडी जेपीवाई में ट्रेड लगवा के ब्रेक इवन लगवा दिया था मैंने, और मैंने ये वॉइस में बोला भी था अपने टेलीग्राम में कि यूएसडी जेपीवाई जो है वो बेयरिश अपना मूव देगा, और इस न्यूज़ पे वो और अच्छा बेयरिश मूव देगा। क्यों बेयरिश अच्छा मूव देगा, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई पे है, जब भी कोई इंडेक्स चार्ट ऑल टाइम हाई पे होता है उसको न्यूज़ चाहिए होती है सिर्फ फॉलो होने के लिए, वैसे ही इसको न्यूज़ चाहिए थी फॉलो होने के लिए। यहाँ से हमने सेल करवाई थी कल के दिन में, तो मैंने भी सेल ली थी, ये देखें आप, यहाँ से सेल करवाई थी 150 पे, यहाँ कवर हुए आपके, और अगर अभी तक ट्रेड होल्ड करी हुई है तो 114 पे आपके यहाँ पे हैं, और ब्रेक इवन लगा हुआ तो जाने दें, कोई इशू की बात नहीं है। डेली में हम देखते हैं, डेली में एक बहुत अच्छा हमें सिनेरियो दिख रहा है प्राइस एक अच्छा फॉल होने का, तो एंजॉय करिएगा इस फॉल का।
तो इसी के साथ इस वीडियो का यहीं इख्तिताम करते हैं, और अपने अपने दुआओं में सबका बहुत ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, भाई को दुआओं में याद रखें, और फिर मैं आपको बोलूँगा प्लेटफॉर्म और सारी चीज़ें आप लोग के लिए बना दी गई हैं, अगर अभी स्टैंड नहीं लेंगे अपने लिए तो आगे भी आपके लिए कोई स्टैंड लेने वाला नहीं होगा। चलें, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ ऑल।